आपकी औलाद आपसे पूछेगी, आपके आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी, माँ ये कौन सा नाटक बनाकर रखा है तुम लोगों ने, समी का पत्ता दे, समी का पत्ता ले, मिलने जाओ तो समी का पत्ता, समी का पत्ता क्यों लिया दिया जाता है? बच्चे पूछेंगे, आज की पीढ़ी बहुत प्रश्न करती है, उसको उत्तर देना पड़ेगा कि एक पत्ते में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का फल होता है। एक शमी के पत्र में आज के बच्चे जो प्रश्न करेंगे उसका उत्तर देने के लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा, उस उत्तर को तुम्हें देना पड़ेगा कि ये शमी का पत्र विजयदशमी पर क्यों लेन देन किया जाता है, शमी का पत्र क्यों शिव के मंदिर में जाता है, शमी के पत्र की मूलता क्यों होती है, इसको समझाना। एक शमी पत्र में वो फल है, और केवल यही नहीं, शमी के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर भूल से भी बच्चा, बूढ़ा, कोई व्यक्ति एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेता है, भूलवश भी उस पे जल समर्पित कर देता है, भूलवश भी उसके भाव से पुष्प या शमी पत्र या बेलपत्र भी चढ़ा देता है, तो वो इस संसार में कहीं ना कहीं सुख भोगता ही है, उसके जीवन में दुख नहीं। शमी पत्र की मूलता का उपाय।